जिलाधिकारी के विजयन पांडेन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार 7 जून तक लॉकडाउन 4 की तरह ही व्यवस्थाओं का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए गीरा थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार सिंह द्वारा भारी पुलिस बल के साथ नौसड़ चौराहे, बाघागाड़ा सहित प्रमुख चौराहों पर फ्लैग मार्च का आम जनमानस में सुरक्षा का एहसास दिलाते हुए लॉकडाउन का पालन करने की अपील की गई। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपने घरों के अंदर रहने की बात कही, साथ ही कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचने के लिए सावधानियों को बरतने की अपील की। इस संबंध में SP नॉर्थ अरविंद पांडे ने बताया कि लोग लॉकडाउन का पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साथ ही दुकानों के सामने अतिक्रमण फैला रहे दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि अतिक्रमण फैलाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ अरविंद पांडे ने कहा, गाड़ी वाड़ी बाहर मत रखो भैया, अंदर कर लो, मीठा वाले दुकान बंद करिए भाई, गाड़ी हटाओ, गाड़ी एकदम हटा दीजिए, गाड़ी गाड़ी रोड पर नहीं रहेगी, मुझे बढ़ाओ आज तक हम जानते हैं ना, ये फ्लैग मार्च का उद्देश्य यह था कि लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, मास्क पहनें और दुकान वाले जो अतिक्रमण कर लेते हैं सड़क पे, इसे भी जो है ख़त्म कराने की दृष्टि से जो है ये फ्लैग मार्च किया गया था। नहीं, ढील कोई नहीं बरती जा रही है, हम लोगों से अपील यही है कि कोरोना से बचाव के बारे में जो गाइडलाइंस भारत सरकार द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तय की गई हैं उनका पालन करें, फिजिकली जो एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, मास्क लगाएं, समय से हाथों को धोएं अपने।